जयपुर से अगली खबर है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र के चावंड का मंड गेट के पीछे ये कार्रवाई हुई है। 4 बीघा कृषि भूमि पर ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे ध्वस्त कर दिया। बिना अनुमति, बिना स्वीकृति के ये काम यहाँ पर करवाया जा रहा था, जिसके बाद चामुंडा विहार के नाम से विगत दीपावली के अवकाशों के दिन में इसका निर्माण कराया गया। ग्रेवल, मिट्टी की सड़कें, बाउंड्री वाल और अन्य चीज़ें जो है जो तैयार की गई थी, इसको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। यह अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया। वर्ष 2019 में से अब तक 580 नवीन अवैध कॉलोनियों पर कुछ इस तरीके से ही बुलडोजर चला है। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। अवैध कॉलोनियों पर दीपक बुलडोजर चला है, किस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई और आगे क्या चीजें देखने को मिलेंगी, बताएं जरा। देखिए, जेडीए की आज अवकाश का दिन है वैसे तो, लेकिन जेडीए की जो कार्रवाई बदस्तूर जारी है। सुबह सुबह सबसे पहले 5 मंजिला इमारत को यहाँ पर सील किया गया जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद, और दूसरी कार्रवाई जेडीए प्रवर्तन दस्ते की जोन 10 में की गई है, जहाँ पर 4 बीघा जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहां पर बिना अनुमति और स्वीकृति और बिना कन्वर्जन के चामुंडा विहार के नाम से कॉलोनी बसाई जा रही थी, और इस कॉलोनी में किए गए निर्माणों को आज बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया है। चामुंडा विहार के नाम से ये दीपावली में जो अवकाश थे उसमें सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी बसाने का काम है, निर्माण कार्य है वो चलता रहा, लेकिन अब जेडीए ने शिकंजा यहाँ पर कसा है। तो जो अवैध कॉलोनियां हैं जिनकी शिकायतें जेडीए प्रवर्तन दस्ते के पास पहुंच रही है, वहाँ उन पर कार्रवाई अब की जा रही है। उन पर बुलडोजर चलाकर जो अवैध कॉलोनियां बसाने के लिए निर्माण किए गए थे उनको ध्वस्त किया गया है। देखिए, 2019 से और आज तक 580 नवीन अवैध कॉलोनियां है जो बिना कन्वर्जन और बिना अनुमति और स्वीकृति के बसाई जानी थी, उन पर बुलडोजर अब तक चलाया है। हालांकि कुछ मामले कोर्ट में भी विचाराधीन है, कई लोगों ने जेडीए के नोटिस के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट में पैरवी जब की गई और पुख्ता पैरवी करने के बाद जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी है रघुवीर सैनी जेडीए के, उन्होंने पुख्ता पैरवी करने के बाद ऐसी भी कॉलोनियों को ध्वस्त किया है और ऐसी इमारतों को ढहाया है और ऐसी इमारतों को सीज किया है जो कि बड़े स्तर पर उन्होंने निर्माण कर लिया था और पूरी फिनिशिंग के बाद लोग उसमें शिफ्ट होने जा रहे थे। तो इस तरह की कार्रवाई यदि होगी आगे भी तो लोगों में भय रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड और बिना अनुमति स्वीकृति, बिना सेटबैक छोड़े हुए और जीरो सेटबैक पे लोग निर्माण कर लेते हैं, जिससे कि शहर में धीरे धीरे जो गलियां हैं 40 फुट रोड या 60 फुट रोड है वो धीरे धीरे सुकड़ जाती है, जिनमें वाहन ट्रैफिक है वो बाधित होता है। जी, बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बिना अनुमति के कॉलोनियां बसाई जा रही थी, अवैध कॉलोनियां, सीधा तौर पर आप इसे कह सकते हैं, यहां से पूरा अतिक्रमण हटाया गया है।